स्किल टीचर देख रहे सभी दोस्तों को एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही अच्छा बिजनेस आइडिया जो कि है प्लास्टिक फर्नीचर शॉप। और आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको ये बिजनेस क्यों शुरू करना चाहिए और दोस्तों इस बिजनेस के लिए आपको कौन कौन सा जो सामान अपनी शॉप पर रखना होगा। तो दोस्तों ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि आपको ये शॉप ये वाला बिजनेस क्यों शुरू करना चाहिए। तो दोस्तों बाजार में आपको तीन तरह के मेन जो फर्नीचर देखने के लिए मिलेंगे, वो है लकड़ी का फर्नीचर, स्टील का फर्नीचर और प्लास्टिक का फर्नीचर। लेकिन दोस्तों इन तीनों में फ़र्क सिर्फ ये है कि जो लकड़ी और स्टील का फर्नीचर होता है वो काफ़ी महंगा होता है एज़ कम्पेयर टू प्लास्टिक का फर्नीचर। और दोस्तों प्लास्टिक के फर्नीचर की और ख़ास बात होती है कि इसको एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाना आसान है, ईजिली पोर्टेबल है, तो इसलिए लोगों की ये एक बहुत ज़्यादा पहली पसंद बन गया है प्लास्टिक का फर्नीचर। और तीसरी बात ये है कि प्लास्टिक के फर्नीचर के अंदर बहुत सारी वेराइटी का सामान आता है, बहुत सारी डिज़ाइनर जो फर्नीचर आपको मिल जाता है, तो इसलिए आपको ये फर्नीचर का प्लास्टिक का फर्नीचर शॉप अगर आप शुरू करते हैं तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट जो है इस शॉप के अंदर मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि आप अपनी शॉप पर कौन कौन सा सामान रख सकते हैं, तो दोस्तों प्लास्टिक के अंदर बहुत सारा फर्नीचर आता है जो कि इंडोर फर्नीचर, आउटडोर फर्नीचर और ऑफिस के अंदर इस्तेमाल होने वाला बहुत सारा फर्नीचर है। जैसे कि आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारा फर्नीचर होता है, या फिर घर के अंदर किचन का फर्नीचर हो गया, या फिर बेडरूम के अंदर या लिविंग रूम का फर्नीचर, या फिर आप बोल सकते हैं कि स्कूल और इंस्टीट्यूट के अंदर जो फर्नीचर इस्तेमाल होता है उसके अंदर। दोस्तों यहाँ पर एक बहुत बड़ी रेंज का फर्नीचर आता है जिसके आप अपनी शॉप पर बेच सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट जो है कमा सकते हैं। दोस्तों प्लास्टिक का फर्नीचर जो है काफ़ी सारी ऐसी फेमस कंपनीज हैं जो प्लास्टिक का फर्नीचर बनाती हैं, या फिर बहुत सारा आपको लोकल सामान भी मिल जाएगा जिसके अंदर आप काफ़ी सारा प्रॉफिट कमा सकते हैं। जैसे कि काफ़ी सारे बड़े नाम हैं जैसे कि नीलकमल हो गया, सेलो हो गया, और ऐसे छोटे बड़े बहुत सारे नाम हैं जिनका फर्नीचर आप अपनी शॉप पर बेच सकते हैं। तो मैं आपको एक वेबसाइट दिखाना चाहूँगा। दोस्तों मैं आपको लेकर आया हूँ नीलकमल की वेबसाइट पर। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि काफ़ी सारी अच्छी अच्छी रेंज का फर्नीचर यहाँ पर अवेलेबल है, घर में इस्तेमाल होने वाला फर्नीचर और ऑफिस में इस्तेमाल होने वाला फर्नीचर, बहुत सारा फर्नीचर यहाँ पर आप देख सकते हैं और इस फर्नीचर को आप अपनी शॉप पर रखकर बेच सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट की, तो जैसे कि दोस्तों मैं बता चुका हूँ कि प्लास्टिक के फर्नीचर के अंदर एक बहुत बड़ी वैरायटी का सामान आता है, तो अगर आप ये डिपेंड करता है कि आप कितनी वैरायटी का सामान अपनी शॉप पर रखना चाहते हैं, कितने बड़े लेवल पर या कितने छोटे लेवल पर आप अपनी शॉप को शुरू करना चाहते हैं, तो उसी के हिसाब से आपका जो बजट है वो डिपेंड करता है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और ऐसे और भी बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके लिए आपको वीडियो के नीचे एक लाल कलर के बटन को दबाना होगा। तो दोस्तों आपको हमारे चैनल पर बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, तो आप हमारे चैनल पर विजिट कीजिए और सभी वीडियोस को देखिए। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए स्किल टीचर। नमस्कार।